एक बार एक भिखारी सड़क किनारे भीख मांग रहा होता है और तभी एक स्ट्रेंजर उसी सड़क से गुजर रहा होता है और तभी वो भिखारी कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर मना कर देता है। वो ये बोलता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ साथ वो उससे ये भी पूछता है कि तुम ये किस बक्से के ऊपर बैठे हुए हो। और तब वो भिखारी बोलता है ये तो बस एक पुराना बॉक्स है और मुझे पता है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तब वो स्ट्रेंजर बोलता है कि एक बार इस बक्से को खोल के तो देखो। और उसके 10-15 मिनट के बाद जब भिखारी उस बक्से को खोलता है तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से जिस बक्से पे वो बैठा हुआ था उस बक्से के अंदर हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। वेल, ये तो एक फिक्शन स्टोरी है, लेकिन द पावर ऑफ नाउ बुक के ऑथर हमें ये बताना चाहते हैं कि आप जिस भी चीज को बाहर ढूंढ रहे हो वो पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको थोड़ा उसको ढूंढने की जरूरत है। क्या कभी आपने सोचा है कि लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इन चीजों को करने से उनको प्रेजेंट की चीजों की फील होने लगती है। हमारा दिमाग हर बार पास्ट और फ्यूचर की चीजों को लेकर ही सोचता रहता है, लेकिन कभी भी उसने प्रेजेंट की चीजों को फील नहीं किया होगा, क्योंकि इसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। लेकिन अगर आप एक बार प्रेजेंट की चीजों को फील करना सीख जाते हो तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको ये जानना है कि अमीरों के पास ऐसे कौन से सीक्रेट होते हैं जिससे कि वो इतनी जल्दी अमीर बन पाते हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।